आजादी के 75वां वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन बिशुनपुर प्रखंड मुख्यालय में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने प्रखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे लिए गौरव का दिन है। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर आज पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस निमित्त हम सभी प्रखंड वासियों ने भी इस कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत मिडिल स्कूल प्रांगण से कार्तिक उरांव चौक होते हुए विकास भारती बिशुनपुर तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक गण सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो हमारा देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण निछावर किए, तब जाकर आजाद भारत के आजाद नागरिक हुए हैं। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य पवन राव, एसटी मोर्चा के सदस्य भिखारी भगत, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष केदार साहू, विकास भारती का संयुक्त सचिव महेंद्र भगत तेली उरांव, शिक्षक मणि कुमार सिन्हा, सीताराम खेरवार, अनिल भगत, राजीव मांझी, आलोक उरांव, राधेश्याम सिंह, सुरेंद्र कुमार मांझी, जगत ठाकुर सहित कई लोग सम्मिलित हुए। अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बिशुनपुर प्रखंड मुख्यालय में हमारे विद्यालय के बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा में हम सब लोग निकले हुए थे। निश्चित रूप से 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष गांठ मनाएंगे और पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम भी बिशुनपुर वासी पूरे सभी लोग मिल करके पूरे हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाएंगे। यही हमारे बिशुनपुर वासियों का यह भावना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।